नमस्कार दोस्तों, न्यूज लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। और अग्निपथ योजना को लेकर किस तरीके से बिहार में पहले आगजनी हुई, युवा सड़कों पर उतरे, लाठियां लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी वार किया, उसके बाद नेताओं को वाई प्लस सिक्योरिटी भी दी गई, इन सबके बीच में अब जो युवा है वो शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनके शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन को शायद भारतीय जनता पार्टी सीरियसली नहीं ले रही है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने जब मीडिया से बात की तो क्या कुछ सरकार पर किस तरीके से भड़के, बीजेपी पर किस तरीके से भड़के, और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी तंज कसा कि अगर आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो आप चुप क्यों हैं, आप क्यों नहीं खुले में आके विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर भी बोला कि अगर आपको लगता है ये स्कीम ठीक है तो आप आकर युवा को समझा क्यों नहीं रहे हैं स्कीम के बारे में। और जब उनके प्रवक्ता कहते हैं कि 12 लाख रुपए हम युवा को देंगे तो इसका क्या मतलब होता है, क्या आप युवा का मजाक उड़ा रहे हैं? 4 साल तक वो अपना खून पसीना आर्मी को दे, अपना खून पसीना सेना को दे और उसके बाद उसको निकाल दिया जाएगा, यानी कि उसकी भर्ती की कोई गारंटी नहीं है। ये सब कहते हुए नजर आए तेजस्वी यादव, ये वीडियो देखिए आप। हमने साफ तौर पर कहा कब जब युवा की आत्मा मर रही हो तो देश की आत्मा मर रही है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है और दो मात्र ऐसी संस्थाएं हैं जहां सबसे ज़्यादा रोजगार और या बहालियां निकला करती थी, जो रेलवे जिसको प्राइवेटाइज कर दिया गया और दूसरा सेना, और वहां भी ठेकेदारी प्रथा जो है शुरुआत की गई। इसमें मान लीजिए कई लोग जो हैं जिनका केवल ज्वाइनिंग रह गया था, अब उनको भी फिर से पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने जो 20 सवाल पूछे उसका जवाब तो मिला नहीं, लेकिन लोगों के मन में आक्रोश है, नौजवान जो हैं चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के। और जब दिमाग मानसिक तौर पे जब चिंता है उनको, मान लो सेना के जवान जो हैं बॉर्डर पे खड़े हैं और दिमाग में यही चल रहा होगा कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे, क्या करेंगे। जो धन सेठ हैं मोदी जी के या बीजेपी के, वहाँ जाकर के चौकीदारी का काम करेंगे? बीजेपी के कई नेताओं ने तो स्पष्ट कर ही दिया है, विजय वर्गीय जी ने तो साफ तौर पे बता दिया है कि भाई कोई नहीं होगा तो हम बीजेपी कार्यालय में जो है चौकीदार। तो ये लोग तो चाहते हैं जो नौजवान जो है उनसे ही चौकीदारी कराएं अपने कार्यालय की, तो इनकी मानसिकता को दर्शाता है। नहीं, आप हम लोगों का फर्ज है कि जब हम लोगों का तो मुद्दा है ही ना भाई बेरोजगारी का, ये सरकार आई थी रोजगार देने या रोजगार छीनने, ये बता दे। केंद्र सरकार तो साफ करे, अरे 19 लाख भी रोजगार नहीं दिया, वो कह रहे कि हम वापस नहीं लेंगे। ना ले सरकार जो है वो कानून बना सकती है, बदल सकती है, लेकिन जनता जो है वो सरकार बना सकती है, गिरा सकती है। आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव सरकार के ऊपर तंज कसते हुए नजर आए, ये भी कहा कि मोदी जी क्यों नहीं आकर बात कर रहे हैं, 12 लाख रुपए से आपका क्या मतलब है, और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो सुनेंगे तो शायद आपको भी आश्चर्य होगा। उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है उनके बच्चों को 24 लाख रुपए दूंगा और अपनी पार्टी में भी भर्ती करूंगा, क्या वो लोग भेजेंगे? आप इस तरीके से सेना का मजाक उड़ा रहे हैं, पहले आपने किसानों के मुद्दे में दखल दी, उसके बाद आप सेना के मुद्दे में दखल दे रहे हैं, इन सारी चीजों से होने कुछ वाला नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, ये है आरएसएस का असली चेहरा, क्योंकि युवा अगर उसको ये पता होगा कि वो 4 साल के लिए ही सेना में भर्ती है तो क्या वो उस तरीके से काम कर पाएगा, क्या उसकी जान की कोई गारंटी रहती है वहां पर? आप एक युवा की जान को 12 लाख रुपए से तोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि अब जब युवा 4 साल बाद जब निकलेगा तो क्या बेरोजगारी का दर बढ़ेगा? नहीं, 7% युवा बिहार से होते हैं, इतनी बड़ी आबादी में आप उन युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं। क्या बीजेपी के लिए विरोध का मतलब है जब सड़कों पर आग लगेगी? क्या बीजेपी के लिए विरोध का मतलब है जब युवा लाठियां लेकर सड़कों पर निकलेगा? क्या अगर युवा शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो उसको विरोध प्रदर्शन का नाम नहीं दिया जाएगा? क्योंकि 2-3 दिन से खबरें उड़ रही है कि युवा शांत हो गए हैं, तो उन्होंने कहा युवा शांत नहीं हुए हैं, युवा शांतिपूर्वक अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने, तो सरकार कब आएगी उनकी बात सुनने के लिए? इन सारी चीजों पर तेजस्वी यादव ने बात की और साथ ही साथ ये कहा
कि मैं चाहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री आकर अगर वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं तो वो खुले में आकर विरोध करें, क्योंकि युवा के लिए ये स्कीम बिल्कुल ठीक नहीं है। 30 साल पहले भी ये स्कीम आनी थी लेकिन नहीं आई, क्योंकि स्कीम में ये स्कीम शायद ठीक नहीं थी। अभी भी आई है तो 3 अमेंडमेंट्स के बाद आई है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी स्कीम में। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप 4 साल के लिए युवा को रोजगार देंगे और 12 लाख रुपए का उनको झांसा देंगे, तो वो 12 लाख रुपए उनके लिए उनकी अहमियत नहीं है, क्योंकि सेना में जब एक इंसान भर्ती होता है तो उसकी जान की कीमत आप 12 लाख से नहीं लगा सकते। ये सारी बातें तेजस्वी यादव ने आज कही, गुस्सा फूटा सरकार के ऊपर, बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर, कि सब लोग पीछे से ही बस चुपचाप बैठकर विरोध करना जानते हैं और वो चाहते हैं कि खुले में आकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चीज का विरोध प्रदर्शन करें। तो हाल फिलहाल आपकी राय क्या है इस खबर पे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।